जिला कांगड़ा का नगरोटा बागवान ब्लॉक आम लीची नींबू की बागवानी के साथ साथ अब सेब की बागवानी में हाथ आजमाते हुए एक अलग पहचान बना रहा है। नगरोटा बागवान तहसील के गांव पठियार के बागवान अर्जुन सिंह ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उद्यान विभाग के सहयोग से 3 सालों के भीतर सेब की उच्च किस्म की फसल तैयार करके दिखाई है, जिससे वे आसपास के बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं और क्षेत्र में एक उन्नत किसान के रूप में भी उभर कर सामने आए हैं। अब क्षेत्र में जब भी सेब की उम्दा पैदावार का जिक्र होता है तो अर्जुन सिंह का नाम मिसाल के तौर पर लिया जाता है। अर्जुन सिंह ने वर्ष 2014 में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद बागवानी के क्षेत्र में कुछ अलग करने की सोच के साथ दिसंबर 2017 में प्रदेश के बागवानी विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से 8 कनाल भूमि पर सेब का बगीचा लगाया, जिसमें अर्जुन सिंह ने 300 पौधे अन्ना और गोल्डन डोरसेट प्रजाति के सेब के पेड़ लगाए। उनकी कड़ी मेहनत से 2 वर्ष के भीतर पौधों में अब फल आना शुरू हो गया है। उन्होंने गत वर्ष लगभग 4 क्विंटल सेब बेचा, जबकि इस वर्ष अभी तक वे 3 क्विंटल से अधिक सेब बेच चुके हैं। अभी तक 3 से 4 क्विंटल को तोड़ना बाकी है। उनके बगीचे की विशेषता ये है कि वे अपने बगीचे में किसी भी रसायन खाद या स्प्रे का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके स्थान पर वे केचुआ खाद का प्रयोग करते हैं, जिसे वे खुद ही तैयार करवाते हैं। उद्यान विभाग के डॉक्टर विवेक गर्ग नगरोटा बाग में जो है, मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बागवानी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार मैंने अपना ये सेब का बगीचा 8 करनाल में लगाया। मैंने अपने बगीचे में 300 पौधा लगाया है और 300 पौधे में का जो है वो सभी ठीक चले हैं, इसलिए अच्छी आमदन हो रही है, ठीक आमदन हो रही है और आगे 2-3 सालों में इससे और बढ़िया मतलब आमदन लूँगा मैं। और जिसमें कुछ पौधे जो हैं वो अन्ना के हैं और कुछ डोरसेट के हैं, गोल्डन डोरसेट के। तो अभी ये दिसंबर 2017 में मैंने ये प्लांटेशन की थी और अभी 2 साल के बाद पहली फसल पिछले साल आई, इस वर्ष ये दूसरी फसल है जो कि अभी इसके 2-3 तोड़ान में कर चुका हूं और जिससे कि लगभग 3 क्विंटल के आसपास ये सेल आउट हुआ है, 30,000 के आसपास ही इसका इनकम हुआ है और अभी 1 तोड़ान और जो है वो समय पर अभी तैयार है, जिसको कि अभी कुछ दिनों में तोड़ूंगा तो शायद 1-2 क्विंटल और भी निकलेंगे। तो इससे काफ़ी अच्छा लगा। अब इन पौधों के लिए जो खुराक दी जाती है वो हम अपनी देसी खाद को केंचुआ खाद में, मतलब केंचुआ खाद तैयार की जाती है उस खाद से, और वो केंचुआ खाद जो है वो उसके उसका सहयोग जो है वो भी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है और उसके लिए सब्सिडी भी मिली है, ट्रैक्टर दिया है विभाग ने अपना इसके गुड़ाई वगैरह करने के लिए पहले पहल, और फिर केंचुआ खाद बनाने के लिए भी मतलब सहयोग किया है। युवाओं के लिए भी मैं एक ये सुझाव देना चाहता हूँ कि यहाँ अपना अपनी गांव छोड़कर बाहर की ओर ना जाएं और बेरोजगारी के धक्के खाने के निस्बत तो यही अच्छा है कि अपने खेतों में नई तकनीक से अच्छा काम करके अपने रोजगार का साधन जुटाएं। उद्यान विकास अधिकारी नगरोटा बागवान डॉक्टर विवेक गर्ग ने बताया कि ये क्षेत्र आमतौर पर आम लीची और नींबू की बागवानी के लिए जाना जाता था, लेकिन बागवान द्वारा कुछ नया करने की इच्छा जाहिर करने के उपरांत विभाग द्वारा उन्हें सेब और कीवी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपरांत बागवान अर्जुन सिंह ने अपने खेतों में सेब का बगीचा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने 300 पौधे सेब लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अर्जुन सिंह ने 2 साल में सेब के पौधों से पैदावार लेना शुरू कर दी थी। विकास खंड नगरोटा बागों में जैसे कि ये एरिया जो है लीची और आम के लिए जाना जाता था,
लेकिन कुछ समय पहले जो था, कुछ एक बागवान जो इच्छुक बागवान थे, उन्होंने कुछ नए कुछ करने के लिए हमारे पास आए और हमने उन्हें सुझाव दिया कि आप सेब के ऊपर या कीवी के ऊपर आप जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जो है आपकी आर्थिक को सहायता मिलेगी। तो उसमें से ये पठियार के अंतर्गत श्री अर्जुन जी 300 पौधे जो हैं सेब आए और एक अच्छा बगीचा जो है यहाँ पर स्थापित किया। और ये 300 पौधे जो थे ये अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन डॉर्सेट वराइटीज़ के लगाए हैं इन्होंने, और तकरीबन ये इनका तीसरा साल है। और दूसरे साल में इन्होंने अभी पैदावार लेना शुरू कर दिया है और तकरीबन 5 क्विंटल के आसपास इन्होंने अपने सेब की जो पैदावार है ली है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो सेब है इनका घर से ही यहाँ से इनका बिक जा रहा है। लोग दूर दूर से जो है बड़े चंगर एरिया से भी आ रहे हैं और इनके घर से ही जो है सेब खरीद के यहाँ से जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक सभी के जो किसान हैं बागवान हैं उनकी आर्थिकी में और भी ज़्यादा सहायता करेगा। जो हमारे बागवान हैं अर्जुन सिंह जी, इनको हमने एक-एक बागवानी मिशन के तहत हमने इनको सहायता अनुदान की सहायता प्रदान की है। इसके साथ साथ इनको NDRF के तहत भी हमने इनको सहायता प्रदान की है। और ये इसके अलावा जो है इन बागवान को हमने केंचुआ खाद इकाई की स्थापना के लिए और पावर वीडर छोटा ट्रैक्टर जो है हमने जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है इनको उपलब्ध कराया, उसमें उन्होंने उनको अनुदान दिया है। तकरीबन 50% के हिसाब से इनको अनुदान दिया है। और सेब की जो एकीकृत बागवानी मिशन के तहत जो है इनको जो है तकरीबन 30,000 के आसपास जो है हमें इस इनको आर्थिकी जो अनुदान जो है आर्थिक रूप में इनको विभाग द्वारा इनको दिया गया है जी।